बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हालचाल सर प्रभियां दरमदा करना सर देखन जिनी की भैन भाई ने खुश रहो हमेशा ते वस्ते रहो। ते अज व्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया है उनकी वजह बेगम साहबां दी जिहड़ी ना तबीयत खराब हैगी सी रात नूं ते मैं चलो जिहड़ा ना रेस्ट कर दी 10-12 घंटे से मैं लो सुबह दा नाश्ता वगैरह बनाया ते उस तो बाद सोई हुई सी ते हाले हुण उठी आ और हुण जिहड़ा ना कपड़े वगैरह जिहड़ा ना धो रही है उहदे लाइ नहीं हुण तबीयत सही हो गई चलो जाने ना तकरीबन हो गए 3 बज गए ने और वेखने ना की पकाना है। कल तो आप गोश्त जो पकाया इंज करिए आप जो दाल नहीं आई सी यूके विचो दाल तो काफ़ी सिर पई आज दाल पकाइए सही नहीं हूँ बोल के मसाला वगैरह पिया नहीं बस आज दाल पका दे। अज मैनू इन्नी भुख लगी हुई सी अंब कच्चा पिया सी उधरों राबिया सिस्टर ने ले आंदा सी सारा दा सारा मैं खा गया मिठा हैगा सी खट्टा नहीं आ मिठा हैगा सी मैं थोड़ा जिहा पहले चेक किया बड़ा जबरदस्त लग्या फिर मैं खा गया भावें कच्चा हैगा सी मिठा हैगा सी थोड़ा थोड़ा खट्टा हा अच्छा लग्या तो मैं खा गया हाँ आए हुए अंब जिहड़े हैगे ना दुकानां ते आए होने लेकिन हाले तक बिल्कुल मैं कोई नहीं लैके आया इस करके क्योंकि हाले ना मसाले वाले पक्के होंदे ने ते खाण दे एडे जायके वाले नहीं होंदे ने कच्चे होंदे ने लेकिन अज जिहड़ा कहिंदा मैं लैके आवांगा इंशाल्लाह मैं शहर जाना एक तो डाइनिंग टेबल जिहड़ा हैगा ना वह भी तैयार होया पिया होना वह भी नाल लैके आवांगा फ्रिज दे अंदर मेरे ख्याल पिया ही कोई नहीं मैं तुहानूं जिहड़ी चीज़ दिखाऊ सी मैंने भाई चक के लै गए मैं तुम दिखाऊ सी अज ना भाई जान और एक छोटी जी पार्टी कर रहे हैं बच्चा पार्टी वो लैके आए जी मुर्गी के पट तो तलन लगे ने नाल मौका मिले तो अगर बुलाया तो असं भी जाके जब खावे। अच्छा भाई जान मैं उदू ली जाना तो जाके लैके मैं क्या फ्रिज च पट पै रहे तुम विखाव अगू फ्रिज खोले गायब है गए अच्छा हूँ ही चाह लें तैयारी कर रहे हूँ क्योंकि अनुमान आके हूँ अबू जी तैयारी करो क्योंकि अनुमान भाई जान पार्टी दे रहा क्योंकि स्कूल जरा क्या पास हो हाँ हाँ वो मैं दसता पे ते उस खुशी दे पार्टी दे रहा तो मैं फिर उ लैग पीस ही लैने मैं एडवांस पूछना आया मैं क्या मैं भी आ जावा कि बच्चे बच्चे आने के मैं निका होके आ जावा गलत चलो ठीक है चलो पकाओ मैं भी जाना ना चलिया शहर गर्मी वेखना 4 बजे खन गर्मी किन्नी है फर्स्ट टाइम होया है सी अच्छा तकरीबन 9 बजे तू गया सी 10 से कुछ वापसी शहर गया सी हां शहर गया सी सही आ शहर में लेके आया चिकन एक चलो ने दो के रखा कर फ्रिज दे विच फिर बेहतर रहंदा मैं ओवे छापर से उधर लेके आया सी तो मैं रखता फिर छापर आना इनू मसाला ला के ना 10-15 मिनट रखी जबरदस्ती बिजली जी ना चली गई यकादम असि अंदर वड़न तो पहले पहले जेड़ना मुज गए ना बल्ब और जी दाल यूके बाहर चल के दिखाने सुथरी इन खोल ना दो लेन अच्छी तरीके है और थोड़ा मान प्लेट चाल एक बाकी दाल जेडी ना बिल्कुल साफ सुथरी वेच ना खराब एते खुली हुई होंदी ना दाल बोरियां दे विच एते पैकेट बने होंदे ना समझ लो कि दाल वैसे तो खाई दिया यूके दी दाल फर्स्ट टाइम असि खा रहे और देखने अंदर जायका जिवें इत्थे दाल हुंदे उसे तरह कि इंदा कोई नवा जायका ज्यादा ही ना पानी एक गल है बिल्कुल साफ सुथरी आ इस दे विच कचरा कुचरा कोई नहीं क्योंकि इत्थे जे सन लोकल दाल मिलदी है ना उंदे विच कचरा वगैरह हुंदा साफ करनी पैंदी है साफ करनी पैंदी इहनू धो के तसल्ली नाल जेड़ा ना बोर कर लो ते मैं चलना फिर ठीक है और है किन्ने क दा पैकेट है वजन इंदा हिसाब लाख किलो तो ज्यादा लगदी पई है 2-2.5 किलो होनी है लीटर लीटर ब्रेक पैक उत्ते लिखिया होया उत्ते वजन कोई नहीं लिखिया टोटल ऐ फाड़ के दूआ पासा करी इंदा वजन 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 2 किलोग्राम 2 हैगी 2 किलो हैगी मोटरसाइकिल बाहर कढ़िया है बेगम साहबा ही रस्ता रोक के खड़ो गई है बच्चे जड़े हैगे ना तुहाडी आई ते पार्टी हो रही है अब्बू जी मेरे का नाम बुलाई हो गया
तू ही आखना है। आ, मैं भी आखना है। असल तो खड़ोता इस गल क्या ज्यादातर वो जरा ना रमा अब्दुल रहमान जो खोल रहा है सिलेंडर, बेगम साहब कह रही है सिलेंडर जो लाजमी लैके जाना भरा कर। अनार अजकल कितू आ गया, चलो विकसा अनार हो तो ये अंगूर नाकी खड़े और जान नाकी अंगूर ले लै जाओ, तुम आपका काम करो, तुम इतने ना खड़ो। आ गया बंद किया तसली ने, चलो ठीक है जी तुहाडा सिलेंडर ब्रेक। ऐ तू ही को फरमाइश करनी है तो के छलेंगे अनार खांदे ओ शेखो जेडी छ लब्बे ना, मैं बुंगदा रह जावां शहर च। सारा समान जेड़ा मैं लेके आ गया और बच्चियां दे आज ना खान पीन वास्ते भी लेके आंदा फ्रूट अजे ना ही धो के ते फ्रिज ठार के मुड़ आड़ू हैगे अंब हैगे ने और अपने गार्डन वास्ते ले आंदा जी फ्रूट यानी खाद। काफी दिन हो गए ना खाद वगैरह पाई नहीं, मैं पा देगी एक बार पहले दलवाब की कर रहा। और जी अली सीक्रेट दावत हैगी एक सिस्टर दी यूएस दे विच ना सिस्टर दी तरफों और उन्हां दा कुछ समान वगैरह लैके आंदा जी डब्बे 200 डब्बा लैके आंदा और नाल इन्हां दे चम्मच भी है दलवाब दे काम दे का तोड़ रहे हैं पर हो जा। रख दे अंदर तेन थले डेग के की मिलता पे तेन थले डेग के संदर जो रखने बाकी का समान सारा ना संदर पे हो दीगा का समान कल जो तुम दिखाया सी इत बस रख दे ठीक है। और ईमान फातिमा धोन लगी फ्रूट अच्छी तरीके धोवी ठीक है ना, अच्छी तरह धो के रख दे फ्रिज जो ठंडे हो जाए फिर खाया जी ठीक है। मसाला जोड़ा ना पहले दा पिया सी और दाल हो रही है बोयल और एक्स्ट्रा दावत उधर भाई और भी है साड़ी। और आज सब तो पहले मैं सारे गार्डन जिन्हें बूटे है उन्होंने चौकी करांगा यानी गोडी ठीक है, तो उस तो बाद इन खाद पा के रात में जिहड़ा ना पानी देवांगे। बैंगन भी लगे हुए ने हुण फिर और मिर्चा जिहड़ियां ना वो भी लगियां खड़ियां ने काफ़ी सारियां, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इस करके बहुत ही कम लगियां हुई हैं। इस बूटे ते काफ़ी सारियां मिर्चा नज़र आ रही हैं दूर तक। मैं ला रहा जी पानी कानू क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी है, हुण थोड़ा दिन लथे है ना ठंड हुई है, मैं चलो ला दईए ताकि घा कू ना ग्रो अच्छी तरह करे। और मेरे ख्याल अबू जिहड़ा ना अज बार पानी देऊए, लै गया पैंप सारा हो गया, चलो मैं थोड़ा दे लवा फिर उधर जो ला लें बाहर दो चार बूटे ने घर तो अबू कह रहे थे उन्होंने जो पानी देना और पै वगैरह जो कट्ठा कर लिया उन्होंने बाहर तक। हाँ की गल है मामा है की कली गया किचन तली किचन तली गया किचन भी तली कुकड़ कुकड़ तली गई, चलो ठीक है अमदा पै मैं एक कह रहा किचन तली गया एक कह रहा कुकर तली गया जी। असल तो विखाया सी ना भाई और ने को बच्चों वास्ते खाण पीन का इंतजाम किया सी ना, तो वह कह रहा भी उन्हें बुलाया होना ना जा भी बुला के आ भी तली गया, तो कह रहे ने किचन तली गया है कह रहा कुकर तली गई है। समान साहब जो है ना कढ़न लगे ने और पानी हुण जावेगा जी डायरेक्ट बार बूहे जो बूटे खड़े ने उन्होंने पानी अबू है उधर बार और मोटर भी जो है ना पानी हो गया अवर और भाई जानवरों को असं पहुँच आए हैं। तेरा पुत्र पिया किचन तली गया है ते पढ़ता हो मैं गया सी उन्होंने चाचू ने बुला के लिया भी अपना टेस्ट कर। अच्छा जी भाई जान और ये रहना तलाई तली कर रहे हैं और क्या बात है जी है तो तले ही पैने और देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं खाने में भाई जान लगे जमन के इंशाल्लाह और ऊपर तेल पाए हुए ना। हां जी तेल इन्हें ना खस्ता होने ना पानी जेड़ा ना बड़ी दूरों आ रहा है वो घर की परली नुक्कर तो और इतने जन बहार दे रहे हैं उधरों बच्चों ने किसी ने पैर दिता होना बाल पैर देंगे दे पे परले नाले देना बस कर बड़ा इत काफ़ी दिन हो गए जदों की असं जगह वगैरह बनाई सी उस तो बाद पानी बिल्कुल दिता ही कोई नहीं है।
और ये छां बना रहे हैं माशाल्लाह बड़े बड़े बूटे हो गए हैं तुसी देख सकते हो। पानी जेड़ा ना बड़े सफर ते जा रहा और वाल भी उस साइड ते जेड़ा बंद है इस करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे इतों मोहरे है और ना मोटर का भी बड़ा जोर लगता पाया क्योंकि रस्ते बच्चे बुच्चे पैर देंदे पैण ना इस करके मोटर की आवाज़ ही जीब आ रही है। साड़ी दाल भी जड़ी है ना बिल्कुल तैयार हुई खड़ी आई खा के देखांगे ना यूके वाले की दाल किस तरह की है। बोइल हो गई है चेक करा कब लग किस तरह की लगती तो अपने इलाके तरह ही पई है ज्यादा बोइल हो गई है ना। चलो जी सारे बच्चे जेड़े ना उधर दावत वाले साइड ते और लैबा ना कल्ली मुकल्ली इत्थे खेड रही है। लैबा तू नहीं खाना है चूचा खाना है पक्या पे आहा हैं ये अपनी मस्ती च इत्थे बैठी हुई भाई जानवरों की पार्टी जेड़ी है ना स्टार्ट हो गई और मैं भी जी खा रहा देखो मुर्गे दिया टंगा टुरदियाँ फिरदियाँ बेगम से बंद के भी जेड़ ना पहुँच आई ने कैसिया बनिया सही बने अच्छा, बने अच्छा भाई जानवर ने जब बड़ा बेहतरीन जेड़ा ना फ्राई किया है चिकन बहुत हाँ तेल सटे बड़े बेहतरीन फ्राई किए टेस्टी तो लगे ने गर्मी भी धूड़ पट देगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हूँ मैं खाए ने ना पसीना आ रहा वाह जी वाह वाह जी वाह खुश होया पे तमाम मैं सोचा आज ना दिखा दे तंदूर जेड़ा ना बाहर निकलते हूँ सीजन वैसे खत्म हो गया साडा तंदूरां दा बड़े बेचे ने तंदूर ध्यान ना सिर जोड़ के देख चावन चाह उतां चलो अबू रहा तू सन लंबे अच्छा बड़ा खूबसूरत बेहतरीन बनया अब्दुल वहाब जेड़ा ना रोंदा फिरदा है वेख इंजू और बेगम साहबा जेड़ा अंदर कर रही है मेरे ख्याल है कपड़े इस्त्री एनु चक ला एक बारी चा लेनी है 2 मिनट मैंने दियो च बस सवार हो गई जिस टाइम देखो ना बेगम साहबा कपड़े इस्त्री कर दी बंदी ज्यादा इकट्ठे हो पानी है चलो जी आ पानी आ गया पानी पी इथे बैठ इथे बैठ एना सजे कपड़े बैठ के अंदर ना मोड़ सही रंग देने जे मौ जावन तो मोड़ मेरे शाम हो चुकी है बिल्कुल पानी जेड़ा इन्हें बहुत देता है इस करके ना काफ़ी ग्रीनरी हो गई है हूँ यह जी जगह छड़ी हूँ उस साइड से और इस साइड इस असल तो इस जगह तो गाह इस करके नहीं फुटता पे और इस जगह छोटा छोटा इस करके आ क्योंकि ज़्यादातर इस जगह तो जो चल के जाइए विचों विचों दी दरवाजे वाली साइड से तो इतने जो गाह बिल्कुल हो ही नहीं रहा असी ज़्यादातर उधरों लंघी दा लेकिन बच्चे जेड़े ना या मैं भी कदे कदे इतने विचों दी लंघ जाना तुसी ना पिछले ब्लॉग के देखा होना कि डाइनिंग टेबल जेड़ा है ना मैं लैन गया सी लेकिन उदो जेड़ा बनया पिया सी लेकिन पालिश कोई नहीं होया सी ते उन्होंने कहा सी सुबह आके जेड़ा ना चक लवी पालिश हो जाएगा लेकिन आज भी मैं गया डाइनिंग टेबल जिथे पिया सी ना उत्थे ही पिया कोई पालिश नहीं होया मेरे को गलती ये हुई है कि मैं जिन्ने के पैसे हैगे सी डाइनिंग टेबल दे सारे उन्होंने अदा कर दिते उन्होंने कहा हूँ पैसे आ गए ने हूँ अपनी मर्जी ना जेड़ा उन्होंने पालिश करके देवांगे बहुत वड्डी गलती हो गई एक बारी दोबारा फिर इस तरह जो मैं मकान शुरू किए हुए ना इट्टां दे जेड़े पैसे ने मैं उन्होंने भट्ठे वाले सारे दे दिते पहले तो फिर इट्टा पिछे मैं इन्ना उन्होंने मैंने जलील किया ना मैंने हाले तक याद आ पता नहीं मेरे ना जहन च ये गल् रहा नहीं इस करके जो पैसे उन्होंने मैं पहले देते लेकिन हूँ अज उन्होंने कह बई मैं सुबह हर हाल जो डाइनिंग टेबल हाँ पालिश करके दो क्योंकि मेहमान वगैरह आते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है क्योंकि अगले दिन मैं इतने जो राबिया सिस्टर और आए थे लेकिन उस तो बाद बई तसवर सियाल और हिना सिस्टर आए थे ना रात को तो मैं बैड के अंदर जो रोटी पानी उन्होंने दिता सी गर्मी बहुत ज़्यादा हैगी सी क्योंकि डाइनिंग टेबल बहुत छोटा हैगा सी तो सारे बहन भाइयों के कमेंट आए हुए कि बैड पर कौन जेड़ा ना रोटी खवांदा मेहमानों
पहले जो इन्होंने बना के दिता से उदो तो बेकार जहा है, लेकिन इस बारी खूबसूरत है, जो तो पालिश होगी ना होर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। शाम हो गई है, बिल्कुल सूरज लथ गया और बेगम साहब हाले हूँ रोटियां पका रही है। मैं दोपहर में भुख भुख कर रहा असल चो ना चिकन खा लिया ना, उत्तों बोतल शोतल पी ली, गुजारा हो गया। लेकिन बेगम साहबा भी जरा ना मैं पूछा ना हूँ रोटी, मैं इन्हें क्या जो सालन बनया पे रोटियां ले हूँ पकानिया ने। चलो हूँ जल्दी कर पका। और लकड़ा जीडिया ना साड़िया इस जगह तो पंदियाँ और वो भी लकड़ा भी बिल्कुल खत्म हुई पे, बोतल शोतल पे और लकड़ा मेरे ख्याल नज़र ही नहीं आ रही, दो दिन रह गई बस सुबह ले आवेंगे। मैं ना गया से शहर कुछ एमरजेंसी भैया मदलिक और भाई जहाज हाले उत्थे शहर ही आ, हूँ फिर जो वापस आना मैं खाना रोटी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सू कम है भैया मदली नाल। बाकी शायद सुबह जो जो काम होया वो भी सुबह तुम जो शेयर करा। बेगम साहबा ने मैं एक होर गल करनी की कहते ने पैसे रखे से उत्थे मैं की सदे ने कंप्यूटर के नाल कौन चाहे तू, चलो मैं वेखना क्योंकि ना मेरे को खुले है सी पैसे मैं उत्थे नाल रखे ने, मैंने मिलते नहीं पैने, मैं जरूरत हैगी सी, मैं वो असल तो लैन आया वापस। अच्छा जी रमान साहब जो चक के अलमारी च रख दिते ने, क्योंकि शरेआम पे से दोपहर टाइम असल तो मैं सोया होया सी ना, तो बोतल मंगाई सी। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा जी मैं वेख लवा बच्चे है ना, ठीक है जी पूरे ने, चंगा किया मेहरबानी शुक्रिया जनाब। हो सकता है सुबह जो मैं साहिवाल शहर जावा, क्योंकि एक तो पैसे ही खत्म हुए ने थोड़े जे रह गए हैं, और दूसरा हाँ कुछ समान वगैरह गोश्त लैके आना बकरे का, और जिस तरह के अज बाईजना पीस लैके आया उस तरह के पीस बिरयानी दे एक देख बनेगी, चिकन बिरयानी और एक जी मटन बने, दो बनगियाँ एक जी जरदे की इंशाला बनेगी। हूँ देखने सुबह देगा पकदियाँ ने परसों पकदियाँ या उस तो भी अगले दिन पकदियाँ ने। यह वाली दावत हूँ तक मैं कर ही लैनी सी, लेकिन लेट इस करके हुई है, जो डब्बे मंगाए ने ना उन्होंने तकरीबन 5-6 दिन ला दिते ने, इस करके काफ़ी लेट हो गई है। और अग वगैरह ही बल गई है, रोटियां पक गए। हाँ रमान रखे चाक उ अलमारी च, नहीं छोटी लहबा लुबा होंगी ना तो फिर शायद चाल रमान ने रखे नहीं, बोतल लई सी ना दोपहर टाइम तो उस टाइम वो खुले है तो मैं नींदर ही है तो चक के उत्थे रख दते ने बटूए के, बाकी है से पैसे वो थोड़े है तो मैं कुछ समान वगैरह लैना से मुरब्बे वगैरह रह गए से ना देगा दे कुछ वो लैने आ, तो कुछ मैं गोश्त लैने बयाना देवे, लेकिन वो फिर इतने ना महंगा बहुत है, मैं गोश्त पता कर रहा 440 रुपये किलो इतने दे रहे हैं शहर अपने इतने, तो भाई जाज को पता किया क्योंकि शहर चू लैके आया, इनू मिले ने पट जड़े हैं ना 360 रुपये और गोश्त है उत्थे 330 रुपये, 110 रुपये फी किलो फर्क है, और बकरे का गोश्त भी इतने महंगा है उधर शहर सस्ता है, और सुबह जड़ा ना पैसे भी लैने ने उतों लैके उतों गोश्त लैके उर आ जाए, वो काफ़ी पैसे बच जाने, अगर अपन गोश्त 7-8 किलो दोवें चीज़ लवीए ना 7-800 इधरों 7-800 इधरों 1500-1600 रुपये की बचत हो जानी है, 100 रुपये का पेट्रोल लगना और जाना भी अगे पिछे आ, वो फिर मैं उन्होंने इतने बयाना को नहीं दिता, मैं शहर चु ले आवेंगे हूँ देखने सुबह गोश्त लै आवेंगे पक्का, और देगा वेखने कदों देगा दाले कोई पता नहीं कदों करनी है, थोड़ी जी हले कच्ची है थोड़ी जी पक गई, तेरा हाथ नहीं सड़दा इन्नी गर्मी है, सड़दा है हाथ क्यों नहीं ज्यादा सेका मुड़ो नहीं लगता हाथ, और जी पहली रोटी साड़ी पक के तैयार हो गई माशाल्लाह जबरदस्त, रोटियां जी साड़ियां पक के आ गई और अब्दुल वहाब आज अगे अगे अब्दुल वहाब को आमना में भी खोली 5 साल तो कति कड़विंदा है तू भाई कागज दे कड़ो, ए नहीं तेरे को खुल दे छाबे लड़दे बंदे ने, मैं वेंदा पिया तानू लड़े ने ना लड़े ने कि गई ये किस चीज मग पीछे लड़ते पे और लै गए फटाओ रमन, अज का व्लॉग इत्थे खत्म करने आ क्योंकि हम रोटी पानी खान लगे हैं और शाम की अजान भी जी आन लगी आ, और मैं दुआ करना साढ़े वेखन जिन्हें की पिंड भाई नहीं खुश रहो बाद हमेशा से बसते रहो, इस दुआ ना दो इजाजत खुदा हाफिज अल्लाह निगेबान। और ए अली जी बनी हुई है दाल बेगम साहबा ने जी बनाई है, मैं जाद जाद जो दिखा देव ये ना कभी दाल पकई है दिखाई कोई नहीं है। अच्छा,
ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।